हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों को जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। नमस्ते नमस्ते। आप कैसे हो कमेंट में जरूर बताना। हाँ हाँ, अभी राखी बांध रहे हैं। राखी बांध रहे हैं? नहीं, हम राखी पे घर पे क्यों नहीं गए हैं और हम कहाँ पर रहते हैं और हमने रक्षाबंधन कैसे मनाया वो आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो पूरा व्लॉग जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने माला पहन लिया है तो अभी हम मैं वैसी पहनी मैं अब नहीं नहीं उस दिन पता है स्कूल का वाणी का स्कूल चालू था कि नहीं था, क्या था, बंद था, वो सब आप लोगों को पूरे व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे ही हमारी और वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियो हर आप हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने राखी कहाँ पर सेलिब्रेट की और राखी आई है कि नहीं आई है। तो मैंने राखी नहीं मंगवाई थी, मैंने अपनी ननद जी को बोल दिया था कि आप राखी मत भेजना, मैं यहाँ से राखी खरीद दूँगी। लेकिन राखी मिलने का इतना प्रॉब्लम था, वो तो अच्छा था कि मैंने आंटी को जो दुकान वाली आंटी है ना शॉप वाली आंटी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आंटी जी राखी चाहिएगा मुझे। जैसे ही राखी वाला दिन था तो मैं गई थी वहाँ पर दुकान पे और आंटी जी को बोला कि प्लीज़ आंटी राखी है, तो बोले कि आप आना एक हफ्ते बाद फिर राखी मिल जाएगी। जो तो मैंने पता है मैं तो घबरा गई थी कि राखी नहीं मिलेगी तो क्या ही करूँगी। तो अच्छा है कि हमको राखी मिल गई। अभी पता है राखी हमको कैसी मिली है, तो आप लोग को पूरा व्लॉग देखना। तो मैं आपको बता दूँ अभी हम लोग मैं आपको बता दूँ कि अभी हम लोग कभी केरला में हैं और केरला में राखी मनाते हैं कि नहीं मनाते। तो यहाँ पर राखी नहीं मनाते हैं, न कोई जन्माष्टमी मनाते, यहाँ पर सिर्फ मनाते हैं ओनम। तो ओनम के भी प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आएंगे और हम लोग जाएंगे, क्या है सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो पूरा ब्लॉग देखना। तो यहाँ की जो राखी मुझे मिली है तो कुछ इस तरह से मिली है, ये देखे राखी ये देखो। तो और घर पे ही सेलिब्रेट कर लिया था, बांध लिए थे राखी रक्षाबंधन पे। तो हमने इस तरह से राखी का त्यौहार मनाया। तो ये है राखी। हाँ। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही व्लॉग्स मतलब प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने के लिए देखने बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आए तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। और राखी वाला दिन तो वाणी का स्कूल भी था, तो वाणी को मैं स्कूल गई थी, वाणी स्कूल गई थी, वाणी को गए थे ड्यूटी। और यहाँ पर पता है हमारी जो फौज की जो है लाइफ, आपको तो पता ही होगी कि फौज की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। हमारे ना ही त्यौहार होते हैं ना ही कुछ, जैसे छुट्टी मिलती है वही हमारा त्यौहार होता है। तो हम लोग ना ही 15 अगस्त पे कहीं गए हैं, हम लोग घर पे ही थे। तो अभी आप लोगों को वाणी बताएगी राखी वाले दिन वाणी स्कूल गई थी कि नहीं गई थी, बताओ वाणी कहाँ गई थी आप। तो फ्रेंड्स राखी वाले दिन गई थी वाणी स्कूल। तो स्कूल से आने के बाद और उसके पापा को मैंने बोला कि जब थोड़ी देर के लिए आप आ जाइए, तो हमने राखी सेलिब्रेशन कर दिया। और 3 बजे के बाद ही हमने राखी सेलिब्रेशन किया था, खुद से ही बांध दी थी राखी। तो ऐसे ही हमने राखी का सेलिब्रेशन किया है। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।